डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा उचाणा में की गई बयानबाजी पर जेजेपी से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस से बात करते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनको किसने अधिकार दिया है गठबंधन पर बोलने का, वो किस बात की राय देते हैं। निशान सिंह ने आगे बोलते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह की सीनियरिटी पर भी तंज कस दिया और कहा कि इतने सीनियर नेता होने के बावजूद उन्होंने अपना सारा फोकस उचाणा पर किया हुआ है और वो वहीं तक सीमित हो गए हैं, ये हैरानी की बात है। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, किस नजरिए को लेकर के उन्होंने ये बात कही है, और जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि वो अपनी तैयारी करें हम अपनी करें, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। भाजपा अपनी तैयारी करती है, हम अपनी तैयारी करते हैं, और हम इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटे कि गठबंधन है, और जो छोटे चुनाव हैं वो पंचायती राज के चुनाव थे, स्थानीय निकाय के चुनाव थे, भी उसमें अलग लड़ेंगे। हमने एक बार भी नहीं कहा, हमने यही कहा कि हमारे सीनियर पार्टनर हैं, उनसे मिल करके बैठ करके बात करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो अलग से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर ही उनका फोकस है सारा, उसी को लेकर के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का राय वो देते हैं, वो किस बात के लिए, कौन उनसे राय मांगता है, तो सिर्फ फोकस उन्होंने उचाणा पर किया हुआ है कि किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदनाम किया जाए, उनमें नुक्स निकाले जाएं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी सीनियोरिटी छोड़ करके सिर्फ हल्के तक सीमित हो गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उचाणा की एक जनसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बेईमानी की राजनीति करने का आरोप लगाया था और साथ ही अपनी पत्नी प्रेमलता को उचाणा से दुष्यंत के हाथों मिली हार पर भी उचाणा की जनता को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता और बेटा ब्रजेंद्र लगातार इस बात को भी दोहराते आए हैं कि बीजेपी को हरियाणा में अब जेजेपी की जरूरत नहीं है और वो खुद लड़ने में सक्षम है। हालांकि अब तक इस पूरे राजनीतिक घमासान में दुष्यंत चौटाला की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। तब तक के लिए उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को करारा जवाब दे दिया है।